वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं, तुम भी कुछ बोल लो, हेलो हाय कर लो। हम लोग जा रहे हैं, हाँ तो आज हम जा रहे हैं साई बाबा मंदिर। काफी लेट हो चुका है, बस भी निकल चुकी है। इस पे आएंगे, चलो तो हमारी बस आ चुकी है, अब हम बस पे बैठते हैं। अब हम जा रहे हैं कहाँ? साई बाबा मंदिर। हम बस पे बैठे हुए थे, हमने ध्यान नहीं दिया और हम आगे आगे मतलब साई बाबा मंदिर निकल गया। उसके बाद फिर हम घर मतलब अब हमें बस वाले ने उतारा आप बहुत आगे जाके, अब हम पैदल जा रहे दोबारा से। देखो कब पहुंचते हैं। फाइनली मंदिर आ चुके हैं हम इतना चलकर। साई बाबा जी भी शायद चाहते थे कि हम पैदल ही आए इनके यहाँ, तो पैदल आए हैं अब हम। सी बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, काफी बड़ा है। अभी और थोड़ा बन भी रहता है। अब जा रही है प्रसाद लेने, ये देखो प्रसाद लेंगे अब यहाँ पर, यहीं पे शूज भी उतार देते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर से, काफी सुंदर है, काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। देखो मंदिर है, होगी ही, बड़ा संडे है, सब सोचेंगे संडे के लिए एक काम कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर है, काफी ज्यादा सुंदर है। फोटो ले रही आंटी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बाबा के दर्शन बहुत दिन से अपन कर रहे थे। हाँ काफी कुछ क्या, हाँ हम जनवरी से वेट कर रहे थे ना आने का, काफी टाइम से सोच रहे थे आने के, यहाँ पे फाइनली आ जा रहे। सुंदर लग रहा है। हाँ सी कितना प्यारा लग रहा है लुक, देखो वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि पता नहीं लग रहा है अच्छा, पर कितना सुंदर है, काफी ज्यादा सुंदर है। Thank you.
किया है। काफी सुंदर मंदिर है, सभी भक्तों को काफी काफी ज्यादा सुंदर मंदिर है। और अभी तो और ज्यादा रेनोवेट हो रहा है अच्छे से। नहीं बंद नहीं आओ, नहीं दरवाजा बंद नहीं आओ आगे से। हाँ पक्का। ये रहे हमारे शंकर भगवान जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये आपके लिए। ये हमारी शेरावाली माता। ये रहे जय बालाजी। बालाजी की बोल चल रही है। उनका छोटा सा मंदिर टाइप बना रखा है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स से। देखिए ये रहे हमारे विष्णु जी। ये रहे हमारे राधे, मैंने गलत बोल दिया, पता नहीं वो कौन थे। ये है हमारे राधा कृष्ण। अच्छा वो राम सीता, अब दोबारा मिलवाती हूँ मैं। ये है हमारे राधा कृष्ण। ये रहे हमारे विष्णु जी। ये हैं सीता राम जी और लक्ष्मण, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। हमारी भक्तन। ये रहे मेरे बालाजी। थोड़ा डर है, एग्जाम जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा मनाना पड़ेगा, ज्यादा मना ले। एग्जाम का डर, एग्जाम का खौफ है इस मंदिर में आने का, इसलिए मंदिर में है क्योंकि इसका एग्जाम है। कोई प्लान नहीं था इसका आने का। अच्छा लग रहा है मंदिर में आके। जय बालाजी। नीचे दर्शन करेंगे भगवान। बस साहब बाबा जी प्लीज, मैंने आपको रोज चढ़ाया है, प्रसाद जरूर खिला देना, प्रसाद खाना है। हाँ। जहाँ पे हम लोग फोटोज ले रहे थे ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पिक्चर्स क्लिक करना सख्त मना है। हाँ पिछली पिछली बार जब हम आए थे ना, तो मैं आई थी, मैं मोहित सर के साथ आई थी, तो मना कर दिया था कि यहाँ पे वीडियो वीडियो नहीं बनानी। पर हम कॉन्फिडेंस के साथ, आज कुछ नहीं कह रहे थे, आज कॉन्फिडेंस के साथ हमने फोटो वोटो सब लिए। दर्शन किस दिन? अरे वो तो कहीं से भी उतरो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस प्रसाद मिल जाए खाने को, मुझे प्रसाद खाना है। प्रसाद खूब अच्छा होता है, सबको खाना चाहिए। कौन सी माता है ये? जय अम्बे माँ। कौन सी माता है ये? जय अम्बे माँ। जय राधा कृष्ण, आपकी बोलबाला है बस यहाँ। जय राधा कृष्ण, जय शेरावाली की। खाटू श्याम, मुझे नहीं पता थे कौन है, अभी मैंने पढ़ के ये बताया कि खाटू श्याम है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये हैं हमारे साईं बाबा जी। ये रे इनके चरण देखिए। लक्ष्मी माँ, गणेश भगवान एंड सरस्वती माता। नीचे देखो कितना छोटे छोटे से, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, गणेश भगवान की, बालाजी की, शेरावाली माता की, शंकर भगवान की, सबकी है छोटी छोटी। और ऊपर इतने बड़े विराज, क्या बोलते हैं, विराजमान हैं सारे भगवान। शिवाय नमस्ते।
मुझे मूर्ति खूब अच्छी लगती है, इसको मतलब प्यारी लग रही है ना, दे रहे हैं कुछ, क्या क्या मतलब है इस मूर्ति का? भिक्षा, महादेव को भिक्षा मांगने की कब से जरूरत है, वो माता रानी से। तो क्यों नहीं जरूरत थी, माता रानी के पैरों के नीचे आ गए थे जब वो, तो भिक्षा क्या बड़ी बात है, प्रेम है ये इन दोनों का, है ना, प्रेम है इनका। नहीं दीदी, आदमी चाहे कितना भी बड़ा पत्नी के सामने झुकी जाता है। हाँ, आदमी चाहे कितना भी बड़ा पत्नी के सामने झुकी जाता है, सही बात है। मम्मी काफी खुश लग रही हैं, कैसा लगा आपको मंदिर आकर? अच्छा लगा। अब हम घर जा रहे हैं, काफी अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छा था सच में, इस मंदिर में आके दिल खुश हो जाता है, है ना मम्मी? और किसी को लगा, मेरे लगा दे, प्रसाद भी खाना है उसी के लिए तो हमारा पहला पर्पस साईं बाबा, दूसरा पर्पस लंगर। हाँ, पहला पर्पस हमारा साईं बाबा है, दूसरा पर्पस लंगर, खूब अच्छा लंगर लगता है। मेरा पहला पर्पस ये था कि मैं आके और भगवान जी को मना लूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, मार्क्स तुम दिलवा देना। पढ़ भी पता नहीं रही है, बस यही मना रही है, पढ़ नहीं रही हूँ, मार्क्स दिलवा देना, ये सब भगवान भरोसे हैं। अच्छा, हमारे घर के बच्चे सब भगवान भरोसे रहते हैं, है ना? ये भी एक एग्जांपल है जिन्होंने अभी, मैं पढ़ती हूँ। वेट, आपने रीसेंट वीडियो देखी होगी, इन्हें स्क्वायर वगैरह भी याद नहीं है, सब कुछ याद है, वो गलती से हो गया था यार, थोड़ा सा जल्दीबाजी करनी थी ना इसलिए। चलो लास्ट, लंगर तो बंद हो गया, हमारी किस्मत भी नहीं था, पिछली बार भी आए थे नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला, अब आऊंगी 4 बजे आ जाऊंगी, लंगर खाना है सुबह के लिए, शाम तो हम नजफगढ़ आ चुके हैं, हम अब फिर दूसरी बस पे बैठेंगे। अभी हमने चाउमीन खाई, यार चाउमीन का शूट करना भूल गई, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि ये भी शूट करना है, माफ होना चाहिए। हाँ, तो तेरे पास थोड़ा था तो बोल देती, मैंने बोला मेरे पास भी नहीं, मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा अगर वो होता तब लेते, तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं, हमने चाउमीन खाई थी अभी, मैंने दो मेरा एक प्लेट तो काफी अच्छी चाउमीन थी। तो हम बस का वेट कर रहे हैं, चारों ब्लर हो गया, कहाँ ब्लर हुआ, देखो कब तक बस का वेट करते हैं और कब पहुँचते हैं, देखते हैं। फाइनली हमें बस मिल चुकी है, इतनी देर के इंतजार के बाद हमें बस मिल गई, थक गए हैं, खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.